बिलासपुर की नमहोल उप तहसील में व्यापार मंडल ने अपनी मांगों को लेकर पुलिस चौकी नमहोल को एक ज्ञापन दिया तथा और व्यापार मंडल ने मांग की थी कि नमहोल चौक से स्कूल जाने वाले मार्ग काफी तंग है और स्कूल के बच्चों का गुजरना उस समय लगा रहता है तथा स्कूल समय में कुछ गाड़ियों को वहाँ से तेज रफ्तार में गुजरना भी रहता है, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी बड़ी घटना होने का खतरा बना रहता है। उन्होंने मांग की थी कि सुबह के समय 8 से 9 बजे तक तथा दिन के समय 2 बजे से 3 बजे तक उस मार्ग पर जाने वाले वाहनों पर रोक लगाई जाए। इस बात पर जब व्यापार मंडल के प्रधान यशपाल चंदेल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और पुलिस प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि नमहोल चौक तथा स्कूल के पास एक होमगार्ड के जवान को तैनात करके गाड़ियों को रोका जाएगा। व्यापार मंडल के प्रधान ने ये भी बताया कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग को व्यापार मंडल की अगर कोई भी जरूरत पड़ती है तो व्यापार मंडल उनकी सहायता करने के लिए खड़ा है। इस मामले को लेकर जब पुलिस चौकी प्रभारी से फोन पर बात की गई, तो उन्होंने बताया कि स्कूल समय में बड़ी गाड़ियों को जाने से रोका जा रहा है ताकि कोई भी अनहोनी ना हो सके। हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के मकसद से वर्तमान जयराम सरकार लगातार प्रयासरत है, जिसके चलते एक और जहां स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है तो दूसरी ओर प्रदेश अस्पतालों में नव निर्मित भवनों का निर्माण कर मरीजों के उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसी के मद्देनजर प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार बिलासपुर जिले के घुमारवीं हल्के के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय जनता व विभागाधिकारियों ने स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बराड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ओपीडी भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दोदोल के नव निर्मित भवन और स्वास्थ्य उप केंद्र मुंडखर के नव निर्मित भवन का उद्घाटन कर जनता को सौगात देने का काम किया। तो साथ ही घुमारवीं नागरिक अस्पताल को 50 बेड से 100 बेड तक मरीजों के लिए बेड की कमी की समस्या को दूर करने का भी काम किया है। वहीं जनता को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना से छूट गए लोगों को प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना हिम केयर से जोड़ने की बात कहते हुए अभी तक 48,000 लोगों को इस योजना जोड़ने और इस पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात की है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाने के लिए देश की श्रेष्ठतम राज्यों में आंके जाने का भी दावा किया है। धर्मशाला के तपोवन में दिसंबर माह में 9 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक प्रस्तावित विधानसभा सत्र को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां आरंभ कर दी हैं। इस बाबत उपायुक्त राकेश प्रजापति की अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक भी आयोजित की गई तथा विधानसभा परिसर में सुविधाओं का जायजा भी लिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सचिव यशपाल शर्मा, उप निदेशक हरदयाल भारद्वाज, अनुभाग अधिकारी राजेंद्र ठाकुर सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने कहा कि 9 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागीय अधिकारियों को आवश्यक प्रबंध करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा परिसर में भी विद्युत, पेयजल इत्यादि की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विद्युत तथा आईपीएच विभाग के अधिकारियों को कहा गया है। इसके साथ ही ट्रैफिक तथा पार्किंग को लेकर भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि
किसी भी स्तर पर आम जनमानस को असुविधा का सामना न करना पड़े। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने बताया कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र 9 से 14 दिसंबर तक तपोवन विधानसभा में होना है, जिसके चलते आज एक बैठक रखी गई थी जिसमें विधानसभा के सचिव भी उपस्थित थे। बैठक में शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर चर्चा की गई। सत्र के दौरान विधानसभा के आसपास सफाई व बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू रहे, इसकी तैयारियों को किया जा रहा है।